आजकल ऑनलाइन का जमाना है, किसी को कुछ भी खरीदना होता है तो वो ऑनलाइन ही ज्यादातर ऑर्डर करना पसंद करता है। और अक्सर सस्ते दाम में कोई सामान अगर मिल रहा हो तो भाई वाह क्या बात है, यही सोचकर अक्सर लोग ऑनलाइन ऑर्डर दे देते हैं और ऐसा करके कभी कभी बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र से, जहां एक युवक को इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन ब्रांडेड कंपनी का सस्ते दाम में पुराना मोबाइल खरीदना भारी पड़ गया। युवक से ठगों ने 55,000 ठग लिए हैं। युवक ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार केशवपुरम कॉलोनी छड़ैल मुखानी का रहने वाला एक युवक रामेश्वर प्रसाद आर्य को 6 अप्रैल के दिन इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में एप्पल मोबाइल का एड दिखाई दिया, जो कि सस्ते दामों में मिल रहा था। ये देखकर उसने एड में दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो दूसरी ओर से बात करने वाले ने अपना नाम दीपक मालवीय बताया और 1,00,000 से भी ऊपर के मोबाइल को 55,850 रुपए में देने की बात कही। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि पेमेंट ऑनलाइन करनी पड़ेगी, जिसके बाद 3 दिन के अंदर मोबाइल युवक के पास पहुंच जाएगा। हाल ये है कि मोबाइल अभी तक युवक के पास नहीं पहुंचा है। जिस मोबाइल नंबर पर कॉल करके युवक ने मोबाइल ऑर्डर किया था वो नंबर भी अब बंद आ रहा है। ऐसे में युवक ने अपने साथ हुई ठगी पर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस ने भी 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।